हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 12 एंड 13 जीके को हम स्टडी करेंगे। और जीके में जो 12 वाला चैप्टर है वो है डांसेस ओवर द वर्ल्ड। इसमें हम आपको बताएंगे कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो कुछ फेमस डांसेस हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, किस लिए वो फेमस है। सेकेंड नंबर पे जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें हम रिची रिच लोगों को बताएंगे। रिची रिच लोग जो अपने इंडियन रिच हैं, यानी कि ज़्यादा पैसे वाले धनवान लोग, उनके बिजनेस क्या हैं और उनकी संपत्ति क्या है और कैसी है, किस तरह से वो बनाए हैं, चलिए उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 12 वाला चैप्टर डांसेस ओवर द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, जो डांसेस होते हैं वो बॉडी मूवमेंट के ऊपर निर्भर है। यानी यहाँ लिखा है डांस इज टाइप ऑफ आर्ट दैट जनरली इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के मूवमेंट के बेस पे ही डांस होता है, ऑफन रिदमिक एंड म्यूजिक के साथ या रिदमिक में। इसमें क्या होता है कि मेनी कल्चर्स और इमोशनल एक्सप्रेशन, सोशल इंटरेक्शन, एक्सरसाइजेस वगैरह, स्पिरिचुअल और परफॉर्मेंस, सारी सेटिंग्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। चलिए कुछ हम डांस के बारे में जानते हैं, जो कुछ टॉप डांसेस हैं। सबसे पहले ये डांस आप देखिए ध्यान से, ये जो डांस है इसका नाम है टैप डांस। टैप डांस जो है ये, इसका जो कैरेक्टराइज्ड है ये एक्चुअली साउंड के ऊपर निर्भर है। यानी क्रिएटिंग फ्रॉम मेटल प्लेट्स के से ये क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है कि बाल और हील, एक्चुअली एक स्पेशल टाइप की इसके लिए स्लीपर या शूज बनाया जाता है। जिस शूज को पहन करके इसको डांस किया जाता है, उसी से थोड़ा सा जो साउंड निकलता है उसी पे लोग अपना डांस करते हैं। नेक्स्ट जो डांस आता है उसको बोलते हैं सालसा डांस। सालसा एक्चुअली ये पेयर वाला डांस है, यानी दो लोग एक साथ मिलके करते हैं। सालसा इज सिंक्रेटिक डांस जेनरी फ्रॉम क्यूबा, यानी ये क्यूबा से लिया गया है। सालसा इज नॉर्मली अ पार्टनर डांस, ठीक है, पार्टनर यानी दो लोग मिलके इसको करते हैं। ये सोलो डांस से ही रिकॉग्नाइज किया गया है। यूजली ये सालसा म्यूजिक, ऑल्दो मोस्ट पीपल परफॉर्म्स द स्टेप विद लैटिन अमेरिकन म्यूजिक एज वेल, म्यूजिक की तरह ही ये क्या करते हैं कि दो लोग मिल करके इस डांस को स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है बेली डांस। बेली डांस का ये डायग्राम देखिए, तो इसमें क्या होता है कि स्पेशली बेली पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक्चुअली ये वेस्टर्न क्वाइन के नेम से ट्रेडिशनल वेस्ट एशियन डांस है, जो कि रैक सरकी है। इसमें एक्चुअली इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड मिडिल ईस्टर्न डांस, इसको मिडिल ईस्टर्न डांस भी कहते हैं। अरेबियन डांस इन द वेस्ट में अरेबियन डांस, इसको ये जो टर्म वेली है डांस है, इसी के बेस पे इस तरह का डांस बनाया गया कि एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व इन द डांस। इस डांस में बॉडी के हर एक पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। द मोस्ट फीचर बॉडी पार्ट बीइंग द हिप, हिप्स ही इसमें सबसे ज़्यादा फीचर अपना परफॉर्मेंस देता है। इट इज़ बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम मिडिल ईस्ट, ये मिडिल ईस्ट से ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर का डांस है उसको बोलते हैं बैलेट डांस। चलिए बैलेट डांस के बारे में जान लेते हैं। इट इज परफॉर्मेंस डांस एंड ओरिजिनेटेड इन इटली ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में इटली से ये ओरिजिन हुआ था डांस। और ये परफॉर्मेंस डांस है, यानी बहुत सारे स्टेज वगैरह में आप परफॉर्मेंस में देखेंगे तो इस तरह का ही परफॉर्मेंस दिया जाता है। ये डांस डेवलप हुआ था फ्रांस एंड रशिया में। तो फ्रांस और रशिया में ये इन्वॉल्व हुआ था, जो कि परफॉर्मेंस डांस के रूप में होता है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ डांसिंग एंड टॉट डिफरेंट बैलेट स्कूल, इसके लिए स्पेशल बैलेट स्कूल बनाई गई है जहाँ पे ये इस तरह के डांस को सिखाया जाता है, ठीक है, टॉट किया जाता है। वर्ल्ड लेवल पे ये होता है।
द डांस इज यूजली कोरियोग्राफ एंड विथ वोकल आर ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में म्यूजिक लगा के इस तरह का डांस कराते हैं, और इट इज इन्वॉल्व पॉइंट वर्क, पॉइंटी वर्क फ्लो एंड वेरी परसाइज एरोबैटिक मूवमेंट, इसमें बहुत ही परसाइज एरोबैटिक मूवमेंट होता है। स्टूडेंट्स इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ये बैलेट डांस, दिस इज अ बेली डांस एंड नहीं बेली डांस ये वाला है, एंड दिस इज सालसा डांस एंड दिस टैप डांस। ये टोटल चार डांसेस चैप्टर नंबर 12 में दिखाए गए हैं, जो कि ये चैप्टर क्लास फोर्थ के लिए। सो आपने जाना इन चार डांसों के बारे में, और ये जाना कि डांस में बॉडी मूवमेंट होती है, बॉडी मूवमेंट से ही डांसेस होते हैं, और इसमें अपनी इमोशनल और पूरी बॉडी की एक्सरसाइज डिपेंड करता है कि किस तरह से आप डांस अच्छा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो चैप्टर है हमारा रिची रिच। रिची रिच यानी कि धनवान लोग। देखिए अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे ग्रेट पर्सन हुए हैं जो अपने माइंडसेट से, अपने दिमाग से, अपनी ईमानदारी से, अपने एफर्ट से बहुत सारा पैसा, इज्जत और इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तैयार करके रखे हैं। चलिए उनमें से कुछ रिची रिच लोगों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मुकेश धीरूभाई अंबानी। देखिए जो मुकेश धीरूभाई अंबानी हैं, इनके पिताजी का नाम धीरूभाई अंबानी था, जो कि आयल इंडस्ट्री में थे। इनके नाम, इनके मोबाइल, अपने कंपनी का नाम था RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये टाइफून, टाइफून का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अपनी पावर से पैसे में और बिजनेस में सबसे आगे हो, उसको बोलते हैं टाइकून। ठीक है, मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, इंडिया ही नहीं एशिया में ये मोस्ट रिचेस्ट पर्सन हैं, और ये CEO हैं RIL। CEO जो होता है वो चेयर पर्सन भी हैं, ये चेयरमैन और CEO जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं, ये गुजराती हैं, और धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के बेटे हैं। इंडिया में सेकेंड फर्स्ट नंबर पे यही हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक। सेकेंड नंबर पे जो यहाँ पॉइंट्स में है वो है लक्ष्मी निवास मित्तल। देखिए लक्ष्मी निवास मित्तल के बारे में, ही इज नोन एज इंडियन मैग्नेट ऑफ स्टील, इंडियन मैग्नेट ऑफ स्टील के नाम से ये जाने जाते हैं। ही इज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड स्टील मेकर कंपनी नेम ArcelorMittal। एक्चुअली स्टील मेकर कंपनी के मतलब स्टील के रूप में देखा जाए, स्टील के इंडस्ट्री में देखा जाए तो सबसे बड़े स्टील मेकर कंपनी इन्हीं की है, और ये जो इंडियन मैग्नेट के नाम से जाने ही जाते हैं मित्तल जी, और ही इज़ लिविंग इन लंदन, ये लंदन में रह रहे हैं, लेकिन ये लंदन की यानी ब्रिटिश की सिटीजनशिप नहीं लिए हैं, इंडियन ही हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं मिस्टर अजीम प्रेम जी। ही इज़ अ सॉफ्टवेयर टाइकून एंड इंडियाज बिल गेट्स, इंडिया के बिल गेट्स जाने जाते हैं बिल गेट्स के नाम से, क्योंकि बिल गेट्स जो हैं वो बहुत धनी वर्ल्ड लेवल पे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे इंडिया में अजीम प्रेम जी को जाना जाता है, क्योंकि ये एक कंपनी के फाउंडर भी हैं और चेयरमैन भी हैं जिनका नाम है विप्रो टेक्नोलॉजी। रिचेस्ट इंडियन हैं और लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक है इंडिया के। 2011 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। ये एक ऐसा सम्मान है जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है और अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। पेलोनजी शकूर जी मिस्त्री, ये नेक्स्ट रिचेस्ट पर्सन है। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ शकूर जी पेलोनजी ग्रुप एंड आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्शन टाइकून, कंस्ट्रक्शन टाइकून के नाम से जाने जाते हैं।
ही इज द ओनली सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ टाटा ग्रुप. टाटा ग्रुप के ये सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और लार्जेस्ट प्राइवेट कांग्लोमेरेट ऑफ इंडिया. ये कांग्लोमेरेट ऑफ इंडिया के भी लार्जेस्ट हैं. द मोगुल ऑफ रियल इस्टेट इज द नेम ऑफ बुक ऑफ मिस्त्रीज बायोग्राफी. मिस्त्री की बायोग्राफी बनाई गई है जिसमें मोगुल्स ऑफ रियल इस्टेट के नाम से बनाया गया है. नेक्स्ट हैं दिलीप सांघवी. दिलीप सांघवी कौन है? ही इज द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इंडस्ट्री लिमिटेड. सन फार्मा एक फार्मा कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है और 1982 में वैल्यूएबल ड्रग मेकर ऑफ आवर कंट्री. मतलब ये 1982 से आज तक वैल्यूएबल ड्रग्स बनाती है. सन फार्मा के नाम से जानी जाती है. बहुत सारी इसकी मेडिसिन आती हैं. नेक्स्ट जो कि इंडिया में लेडीज़ का भी नाम आता है और उन लेडीज़ में सबसे पहले लेडीज़ हैं सावित्री जिंदल एंड फैमिली. सावित्री जिंदल जो हैं शी इज़ बिकम द चेयर पर्सन ऑफ ओपी जिंदल ग्रुप. एक्चुअली इनके पति ओम प्रकाश जिंदल की मृत्यु के जस्ट बाद ये चेयर पर्सन बनी थी और उसके बाद आज तक बनी हुई हैं. शी इज़ इंडियाज वेल्थिस्ट वुमेन एंड आल्सो नोन एज स्टील बेरोनेस ऑफ इंडिया. स्टील बेरोनेस ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं क्योंकि लेडीजों में अगर इंडिया की बात करें तो इनका सबसे पहले रिचेस्ट वुमेन्स में नाम आता है. नेक्स्ट कुमार मंगलम बिरला. ही इज द चेयरमैन ऑफ थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस. ये थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस के चेयरमैन. क्या हाउस ऑफ द इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस के जो हाउस के इंडिया जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप. आदित्य बिरला ग्रुप इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस है जो कि कुमार इज द काउंसलर ऑफ द बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस. जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस है उनके चांसलर हैं कुमार. और आदित्य बिरला जो ग्रुप है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस हाउस है. नेक्स्ट सुनील मित्तल. ही इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारती इंटरप्राइजेस एंड आल्सो ग्रुप सीईओ ऑफ इट. भारती इंटरप्राइजेस इज वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग. इंडिया हैविंग भारतीय एयरटेल, भारतीय वॉलमार्ट, भारतीय एक्सा, भारतीय रिटेल. तो मतलब भारतीय रिटेल है, भारतीय एक्सा है, भारतीय एयरटेल है, भारतीय वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट है. ये सारे के सारे बिजनेस का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं भारतीय इंटरप्राइजेस. और उनके ये सीईओ हैं, फाउंडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं. ठीक है, ये 2007 में पद्म भूषण से अवार्डेड भी किए गए थे. नेक्स्ट जो हैं इनका नाम है शिव नादर. शिव नादर कौन है? ही इज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट. ही इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ एससीएल एंड सी द शिव नादर फाउंडेशन. शिव नादर फाउंडेशन है उसके ये फाउंडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं. ठीक है, नादर फाउंडर फाउंडेड एससीएल इन द मिड 1970. नादर जी एससीएल जो कंपनी है 1970 में बनाए थे एंड ट्रांसफॉर्म द आईटी हार्डवेयर कंपनी इनटू आईटी इंटरप्राइजेस. आईटी हार्डवेयर से आईटी इंटरप्राइजेस में ट्रांसफॉर्म कर दिए. द नेक्स्ट थ्री डिकेड्स बाय कॉन्स्टेंटली जो रेनवेंटिंग हिज कंपनीज फोकस. इन 2008 नादर वाज अवार्डेड पद्म भूषण ऑफ हिज एफर्ट इन द आईटी इंडस्ट्री. आईटी इंडस्ट्री में जो भी इनका एफर्ट हुआ था, जितना जैसा ये हार्ड वर्क किए उसके बेस पे इन्हें पद्म भूषण दिया गया. सो स्टूडेंट्स, जो मैंने आज आपको इस रिची रिच में बताया उसमें मुकेश अंबानी इंडियास फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन, सेकंड लक्ष्मी निवास मित्तल, थर्ड अजीम प्रेम जी, फोर्थ पेलोन जी शपूर जी मिस्त्री, फिफ्थ दिलीप सांघवी,
सिक्स नंबर पे सावित्री जिंदल एंड फैमिली यानी सावित्री जी, नेक्स्ट कुमार मंगलम बिरला जो बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं और मालिक हैं, सुनील मित्रण नेक्स्ट हैं, और लास्ट नाइन्थ नंबर पे शिवनादर जो कि इंडियास रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है और जीके के आज दो चैप्टर मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लिए पढ़िए और वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।